Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 दिसंबर के डेली करेंट अफेयर्स क्विज, जिसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं, वो SSC हो, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, PCS या जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. ठीक है, ये वीडियो आपको 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, और कल की जैसे नोटिफिकेशंस नहीं गई थी तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड इस बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस है ना वो ईज़िली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आज का जो क्वेश्चंस है जिसे आपको मुझे आंसर्स देने हैं, तो करंट अफेयर्स से आप मुझे बताइएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बस इसे हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि फिर से ताकि वो चीज़ें हमारी अपडेट रहे. तो पहला क्वेश्चन है कि टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और सेकेंड क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश में ही श्री हरिकोटा से कौन सा सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया. तो ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे बताइएगा, और स्टैटिक्स से आप मुझे बताइए. देखिए मैंने इसमें बहुत सारे लोक नृत्य को आज ऐड किया है. मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि ये सारे एक ही राज्य के लोक नृत्य हैं. ठीक है, कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओट्टम ठेडल, वेदी नाटकम, ये सारे एक राज्य के लोक नृत्य हैं. आपको मुझे बताना है कि ये चारों लोक नृत्य किस राज्य के हैं. अब देखिए कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके मैं आंसर्स बता दूं कि करंट अफेयर्स से मैंने बताया पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने अपने आउटपेशेंट विभाग का परीक्षण शुरू किया, ये किस राज्य में स्थित है. तो देखिए ये हरियाणा में स्थित है. हमारे आंसर्स है हरियाणा. ठीक है, और ट्रेन 18 को किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजांकित किया जाएगा, तो ये 29 दिसंबर को की जाएगी, तो ये वाराणसी से किया जाएगा. एंड स्टैटिक्स में मैंने पूछा था दांदेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये गोवा में है. एंड मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में है. आप लोगों के मैक्सिमम आंसर सही थे एंड आप लोगों ने वो फॉर्मेट भी फॉलो किया है. तो प्लीज़ आज भी आप कोशिश करिएगा कि इस फॉर्मेट में मेरे आज जो मैंने पूछा है ना, चार आपके 3 क्वेश्चंस हैं उसके आप आंसर्स दे पाओ. ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 को किस शहर में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है. तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये नीति आयोग के द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया. हमारे ऑप्शन है बी नई दिल्ली. ये कार्यक्रम जो है ना, इसमें वैश्विक जो SDG होती है उसके 5 चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे लोग हो गए, पृथ्वी हो गई, समृद्धि हो गई, सहयोग हुआ और शांति हुई, ये चारों चीज़ों को. और मैं बता दूं कि राज्य में जैसे ये हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में ये सबसे ऊपर है, उसकी रैंकिंग बता रही हूँ, और केरल और हिमाचल प्रदेश में 69 है, तमिलनाडु में 66 के स्कोर से है. तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, SDG इंडिया इंडेक्स. तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो गए, बी नई दिल्ली. ठीक है, ये देखिए इसकी रिपोर्ट आई थी जिसे नीति आयोग ने जारी किया था, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. और जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऑप्शन हमारे नई दिल्ली आई है, तो दिल्ली के बारे में, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यपाल अनिल बैजल जी, और राजभाषा हिंदी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ACI शेरों के संरक्षण के लिए, मतलब ACI शेरों की संरक्षण परियोजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है. तो देखिए केंद्रीय मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उन्होंने ACI शेरों की दुनिया की आखिरी मुक्त विचरण करने वाली जो इनकी आबादी है उसकी सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से ACI शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है. तो इस अनुसार हमारे ऑप्शन हो गए सी, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री. ठीक है, देखिए अगले 3 वर्षों के लिए ये परियोजना को बनाया गया है, जिसका कुल बजट ये इनका कहना है कि 97.84 करोड़ रुपये है. और इसमें क्या होगी ना, इस परियोजना में बहुत ही आज की एडवांस टेक्नोलॉजी, नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययन, रोग प्रबंधन, आधुनिक निगरानी के साथ इस परियोजना को बनाया जा रहा है, जिससे ACI शेरों के संरक्षण में मदद मिलेगी. तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा. और जिस मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो इसके जान के रखिए कि इनके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. अब
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की 10 सुरक्षा और खुफिया एजेंसी को निगरानी, डिक्रिप्ट और अवरोधन के उद्देश्य से देश के किसी भी कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए अधिकृत आदेश किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसमें 20 दिसंबर को हमारी जो गृह मंत्रालय है उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिससे क्या होगा कि ये देश की 10 जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनके अवरोधन के उद्देश्य से देश के किसी भी कंप्यूटर तक वो पहुंच सकता है और उसे अधिकृत कर सकता है। इसमें क्या होगा, ये जो 10 खुफिया एजेंसी कौन है, जिन्होंने किसी भी कंप्यूटर संसाधन तक पहुँचने के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया है, जैसे कि वे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नारकोटिक्स है, कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, मतलब ऐसे 10 तरह के जो खुफिया एजेंसीज हैं इनको ये क्या कह सकते हैं, राइट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या होगा कि आदेश जो है ना वो सेवा कंप्यूटर संसाधन के जो भी प्रभारी होंगे वो किसी भी व्यक्ति को, एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने के लिए अनिवार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो, बट अभी इतना ध्यान रखिए कि ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के बारे में आप ध्यान दे सकते हो कि हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री है किरेन रिजिजू और हंसराज अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ विकास सहायता के लिए नोट्स और ऋण समझौतों का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने जिस देश के साथ नोट्स और ऋण समझौतों के लिए आदान प्रदान के लिए समझौते किए वो है जापान। ऑप्शन है ए जापान। देखिए भारत और जापान ने लगभग आप समझ लीजिए कि 105.497 बिलियन की जापानी आधिकारिक विकास सहायता ऋण पर 3 परियोजनाओं को लेकर इन्होंने नोटों को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट के बारे में, उसमें कुछ है जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है चेन्नई की, एंड फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जापान और भारत के सहकारी अधिनियमों के लिए, उसके बाद डेयरी विभाग के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें। पर आप ये ध्यान रखिए कि ये जो भारत और जापान के बीच में हुई है तो ये नोट्स और ऋण समझौतों को लेकर हुई है। ऑप्शन हो जाते हैं ये जापान। और जापान के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ राजधानी है टोक्यो एंड मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है सिंजो आबे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस शहर में ग्लोबल SME बिजनेस समिट के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये शहर आपका अगेन है नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली में जो सरकारी ई मार्केट प्लेस होती है ना SME, ये समझ लीजिए सरकारी ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म है, के सहयोग से जो सूक्ष्म लघु और मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय SME वो जो होती है ना उसके तहत, इसका फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। और इसमें क्या होगा, और जो हमारी भारतीय उद्योग परिसंघ है, इन दोनों के द्वारा 2 दिवसीय, 2 दिनों की मतलब ये ग्लोबल MSME बिजनेस समिट के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात करें कि ये कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में की गई थी। और देखिए इनका जो बैठक का उद्देश्य था ना, ये था कि बिल्डिंग पार्टनरशिप थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेन, ये इनकी कुछ विषय रखी गई थी। और देखिए बस फोकस ये करना है कि ये जो समिट हुई है अब इसका एजेंडा क्या था। इसका एजेंडा ये था कि भारतीय जो MSME है को ग्लोबल वैल्यू चेन चेन में एकीकृत करना है, माने सबको एक साथ जोड़ना है, ताकि जितने भी प्रसिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता है, एक वैश्विक दर्शन है, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी इसके हितकारक है ना, उन सबको एक साथ लाना है। तो चीज़ें तो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी या फिर तो इतनी डिटेल में नहीं जाइए, बस ये समझ लीजिए कि हमारी जो ग्लोबल MSME बिजनेस समिट जो हुई है ना, उसकी जो ऑप्शन, बस ये ध्यान रखिए कि ये हुई 2 दिनों वाली जो, ये नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, राज्यपाल अनिल बैजल जी, राजभाषा हिंदी, और ये देखिए हमारी दिल्ली की लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के लिए वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो पतंजलि का हुआ है, ये हरियाणा में हुआ है।
और देखिए हरियाणा के जो सीएम है ना, मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने इसे चंडीगढ़ के पास उनकी जो मतलब हरियाणा में जो मोरनी हिल है वहाँ पतंजलि और हरियाणा सरकार के मतलब उन्होंने अपना सहयोग दिया और इस विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, ए हरियाणा, और यहाँ जैसे मैं बता रही थी तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म लघु लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी ही सबमिट हुई थी तो इसका मैंने बता दिया ये हरियाणा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका देखिए ये है, इनका नाम है श्री जी सेल्वराज, श्री जी सेल्वराज। और देखिए 20 दिसंबर को इन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मतलब वहाँ की जो क्या कह सकते हैं यहाँ के जो 40 श्रमिक है, देखिए CRI पंप्स ने इसे चौथी बार इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को जीता है, CIR पंप जो इनके कंपनी का नाम है। और इसमें क्या है, इन्हें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। और इनके जो ये कह लीजिए कि CRI समूह के जो संयुक्त प्रबंध निदेशक है श्री जी सेल्वराज, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन क्या हुए इस अनुसार, CRI पंप्स। और ये ध्यान रखिए कि ये जो CRI अब ये जो चीज़ें हैं ना CRI पंप्स, ये क्या है तो देखिए CIR जो है ये परियोजनाओं के देश में सबसे बड़ा योगदान देने वाला समूह है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि पुराने जितने भी अयोग्य पंप होते हैं उन्हें नए 5-स्टार रेटेड स्मार्ट पंप बनाता है ये। ठीक है, तो इसके श्रीजी सेल्वराज को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप देख सकते हैं इन्हें पुरस्कार ग्रहण करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, लिंकलिन द्वारा देश प्रबंधक के रूप में, लिंकलिन द्वारा देश प्रबंधन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? पहली चीज लिंकलिन, हम लोग सब जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे, लिंकलिन जो है आज की प्रोफाइल जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है ना, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला ये बहुत नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है लिंकलिन, आप जान रहे होंगे। तो इसने ही भारत के लिए देश के प्रबंधक के रूप में किसे चुना है? तो देखिए ये चुने गए हैं, इनका नाम है महेश नारायणन, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए महेश नारायणन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये 7 जनवरी 2019 से अपने पद को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई तलवारबाजी निकाय का अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दक्षिण एशियाई देखिए भारतीय ओलंपिक जो संघ है ना उसके महासचिव राजीव मेहता को इसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन हो जाते हैं ए राजीव मेहता को हैदराबाद में जो दक्षिण एशियाई तलवारबाजी महासंघ है उसकी बैठक के बाद इन्हें 4 साल की अवधि के लिए इन्हें तलवारबाजी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, अभी मतलब वर्तमान में राजीव मेहता जो है वो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। तो ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम बोला जा रहा है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए ये जो की गई है ये किया गया है आपकी क्रमिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के द्वारा। तो इस अनुसार हमारे ऑप्शन हो गए सी, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में क्या है, देखिए ये जो है ना ये क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग, जैसे कि मैंने कहा कि ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इनका सबसे पहला उद्देश्य है कि सुशासन के लिए सक्षम सिविल सेवा को लाना। ठीक है, ये ऑनलाइन कार्यक्रम होगा जो सरकार को जितने भी डिजिटल इंडिया के जितने भी प्रमुख कार्यक्रम है ये इसका एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, इसमें बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के लिए भारत का अगला राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है मोहिंदर प्रताप सिंह, हमारे ऑप्शन है बी मोहिंदर प्रताप सिंह। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन संक्रांति 2018 और ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2018 को कब मनाया गया?
तो देखिए 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति, जो कि शीतकालीन संक्रांति क्या होता है, जो हम इस साल का सबसे छोटा दिन हुआ और उत्तरी गोलार्ध में से देखा गया, और जबकि ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो कि 2018 का सबसे लंबा दिन होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में मनाया गया। तो समझ आ गई चीजें, तो ये 21 दिसंबर को मनाया गया है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके 23 दिसंबर के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।